सभी महानुभावों को मेरा राकेश भारल का सादर जय जिनेन्द्र। और कल हम सभी ने आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 53वां जो दीक्षा दिवस है वो मनाया। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम सभी जिनके समय पर ऐसे तपस्वी, ऐसे चारित्र के, उत्कृष्ट चारित्र के धनी गुरुदेव ने जन्म लिया और वो अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो आइए आज हम रत्नकरण नक्षत्राचार्य के 4 नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, फिर अर्थ और भावार्थ चलेंगे। कई लोगों ने हमसे बोला है कि हम व्याकरण बताते हैं श्लोक में, तो थोड़ा सा और व्याकरण, प्रत्यय वगैरह, विभक्ति वचन इत्यादि भी बताते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं पहले तो जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा, उच्चारण, अर्थ, भावार्थ, और जो विशेष टिप्पणी होगी व्याकरण की वो अंत में दूंगा। तो जिनको व्याकरण नहीं समझना है ज़्यादा तो वो भावार्थ तक सुनेंगे, जिनको व्याकरण सहित समझना है तो वो अंतिम तक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुद्ध उच्चारण के साथ में 4 नंबर का श्लोक, तो चलिए। श्रद्धानम परमार्थाना, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम सम्यग्दर्शन मस्मयम सम्यग्दर्शन मस्मयम। पूरा पढ़ते हैं लय के साथ। श्रद्धानं परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यग्दर्शन मस्मयम। ठीक है, एक बार और पढ़ लें। श्रद्धानं परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यग्दर्शनमस्मयम्। देखिए इस श्लोक में किस बात की चर्चा है, यहाँ पर हो रही है सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं। पिछले श्लोक में आचार्य श्री ने हमें बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि, इनको क्या कहा था, धर्म कहा था। तीर्थंकरों ने इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है, इसलिए अब यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा प्रारंभ हो रही है, क्या कहलाता है। तो पहले अर्थ देखते हैं। श्रद्धानम, श्रद्धान को, परमार्थानाम, परमार्थानाम, यहाँ पर परमार्थ का मतलब यहाँ पर सच्चे लिया गया है, ठीक, सच्चे। सच्चे कैसे आया इसका अर्थ, सच्चे इसलिए आया कि परम धन अर्थ, ठीक, परमार्थ हो गया दोनों को जोड़ दिया तो। परम मतलब होता है उत्तम या उत्कृष्ट, परम का उत्कृष्ट भी होता है उत्तम भी होता है। अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, ठीक, जिनका प्रयोजन उत्तम हो, जिनका प्रयोजन उत्कृष्ट हो, ऐसे ऐसे वो व्यक्ति को परमार्थ कहेंगे। और उत्तम प्रयोजन क्या है, मोक्ष ही उत्तम प्रयोजन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो उस मार्ग पर चलेगा वो निश्चित रूप से सच्चा ही होगा, कोई मायाचारी छली कपटी उस प्रयोजन तक पहुंच ही नहीं सकता। इस हिसाब से परमार्थानाम, परमार्थ का मतलब सच्चे ले लिया है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, आप्त आगम तपोभृताम, यहाँ पर जो माँ है वो इधर मिल जाएगा, परमार्था नाम बन जाएगा, और यहाँ से निकलेगा आ, तो आप्त आगम और तपोभृताम, आप्त आगम और तपोभृताम, ठीक।
अब क्या कह रहे हैं कि सच्चे आप्त आगम और तपोभृत पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन कहलाता है। आप्त आप्त मतलब देव, सच्चे देव, ठीक है। आगम मतलब शास्त्र, सच्चे शास्त्र। और तपोभृताम मतलब तप में निरत रहने वाले, तप में संलग्न ऐसे गुरु, तो सच्चे गुरु। सच्चे तीनों के साथ लगाएंगे, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन होगा। लेकिन उसके साथ अकेले श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन नहीं बनेगा, उसके साथ में और तीन चार चीज़ें हैं जिसको समझना आवश्यक है। क्या? त्रिमूढ़ा पोढ़म अर्थात तीन प्रकार की मूढ़ताओं से रहित हो। कौन सी तीन मूढ़ताएं होती हैं? लोक मूढ़ता, आगे इसकी डिटेल में चर्चा आएगी, अभी हम केवल नाम बताते जा रहे हैं। लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। गुरु मूढ़ता, ये तीन मूढ़ताएं हैं। मूर्ता मतलब मूर्खता, ठीक है। जो सही नहीं है उसको भी सही मानना वो मूर्खता कहलाती है। तो तीन प्रकार की मूर्ताओं से रहित होना चाहिए। क्या? सम्यक दर्शनम। अष्टांगम, आठ अंग, आठ प्रकार के अंगों से सहित होना चाहिए। आठ अंग कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा आगे डिटेल में आएगी। निशंकित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, फिर इसके बाद अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये जो आठ अंग होते हैं, इन आठ अंगों से सहित होना चाहिए सम्यक दर्शनम। और इसके बाद सम्यक दर्शनम, ये माँ है, इसके साथ जुड़ जाएगा आधा और आ निकलेगा यहाँ से, तो निकलेगा अस्मयम, ठीक। स्मय मतलब होता है मद या घमंड, और मद का उल्टा हो गया अस्मय, मतलब मद रहित होना चाहिए। मद भी आठ प्रकार के होते हैं, इनकी भी डिटेल में चर्चा होगी आगे, जो ज्ञानम पूजा कुलम जाति श्लोक के माध्यम से आएगा आठ प्रकार के मद। तो आठ प्रकार के मद से रहित हो, आठ अंगों से सहित हो, निसंकित आदि, और तीन मूर्ताओं से रहित हो, ऐसा सम्यक दर्शन ठीक कहलाएगा। तभी जब ये तीनों चीज़ें होंगी और इसके साथ में जब हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होगा, तब जा कर के वो सच्चा सम्यक दर्शन कहलाएगा। नहीं तो सम्यक दर्शन में दोष होगा, ठीक है, सम्यक दर्शन दूषित कहलाएगा। तो अब प्रश्न ये होता है कि हमने तो पढ़ी थी सम्यक दर्शन की परिभाषा कि सात तत्व है ना, सात तत्व, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, इन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तो फिर यहाँ पर उनको ग्रहण क्यों नहीं किया गया, देव शास्त्र गुरु इन पर श्रद्धान करना क्यों कहा गया है? तो इसको क्लियर हम करते हैं। देखिए, हमारे पास चार अनुयोग हैं, ठीक। चार अनुयोग में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अब प्रथमानुयोग जो है, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग, ये चारित्र प्रधान हैं। और यहाँ पर जो परिभाषा दी जाएगी वह चारित्र प्रधानता के रूप में दी जाएगी, चारित्र की प्रधानता के रूप में। करणानुयोग में सम्यक दर्शन की परिभाषा जो है वह तत्व प्रधानता की दृष्टि से, या फिर ये कहें आत्म तत्व के निरूपण के हिसाब से, या फिर ये कहें कि जो आत्मा के जो परिणाम होते हैं मुख्य रूप से, उनको, ठीक है, तत्व परिणाम कर देते हैं,
और तत्व में क्या, आत्म तत्व। तो आत्म तत्व या जीव के परिणाम जो होते हैं, उन जीव के परिणामों की अपेक्षा से करणानुयोग ग्रंथ का विश्लेषण होता है और वहाँ पर परिणामों के आधार पर सम्यक दर्शन की परिभाषा दी जाती है। फिर होता है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में आत्मचिंतन, क्या आत्मचिंतन को मुख्य लक्ष्य रख करके और वहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। तो वहाँ पर आत्मचिंतन को ध्यान में रख करके परिभाषित किया जाता है सम्यक दर्शन को। इसी कारण से श्रावकाचार्य जी, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ पर चरणानुयोग की अपेक्षा से आप्त आगम और तपोभृत अर्थात देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा है। लेकिन इसके अंदर भी 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 7 तत्व, ये सभी समाहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आगम शब्द है ना, ये आगम, इस आगम के अंदर, क्योंकि आगम क्या है, चिरंत भगवान की वाणी है और उसी के अंदर ही तो 7 तत्व और 6 द्रव्य 9 पदार्थों का निरूपण है। तो आगम के अंदर उन सभी 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों का समावेश हो जाता है। इस कारण से हमें अलग से कहने की आवश्यकता तो है, लेकिन यहाँ पर उसका समावेश हो जाता है, इसलिए यह कोई दोष नहीं है कि 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ का समायोजन यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा व्याकरण का हिस्सा। इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर परमार्थानाम तपोभृताम, यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और श्रद्धानम ये द्वितीय एकवचन का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय कोई विशेष यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जरूर बता देते हैं, अस्मयम जो है शब्द, अस्मयम यहाँ पर नय तत्पुरुष समास है। नय तत्पुरुष समास क्या कहलाता है? नय तत्पुरुष समास, ये देखिए, नय समास, जब हम किसी चीज़ का उल्टा शब्द बनाते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं, वहाँ पर नय समास होता है। जैसे कि सत्य, और सत्य का उल्टा असत्य। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर स्मयम, स्मयम का उल्टा अस्मयम, तो यहाँ पर नय समास है, मतलब मद से रहित। ये जैसे सत्य का असत्य हो गया, असत्य मतलब सत्य रहित, ऐसे ही नय समास का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।